दोस्तों मैं तो नदी का इलाके में आया हूँ और एक जगह मैं देख रही हूँ जहाँ पर मैं जाके कैंपिंग करूँगा। कुछ सामान तो मैं रख दिया हूँ और आगे वीडियो के अंत में बने रहिएगा, देखिएगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। दोस्तों ये खूबसूरत जगह मिल गया है, यहीं पे मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। तो देखिए एक बड़ी सी जो चट्टान आपको दिख रही है, ये कुछ कोयले का परत और तीन गो पत्थर के सपोर्ट पर बिल्कुल खड़ा हुआ, ये कभी भी गिर सकता है भूकंप के आने से। मैं यहीं पे कैंपिंग करूँगा, आग जलाऊँगा और कुछ चीज़ों को खाऊँगा। बिल्कुल ख़तरनाक है और मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं बच जाऊंगा, भगवान करे मेरे ऊपर ये ना गिरे। तो ये तीन पत्थर रखे हुए हैं, ये कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है, मैं और लकड़ियों को लाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों नदी के इलाके कुहासा छाई हुई है और मुझे भी ठंड भी लग रही है, मैं स्वेटर पहना हूँ तब पर भी, तो मैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कुछ लकड़ियों को लाने अंदर जा रहा हूँ। एक अभी मैं गिरते गिरते बचला, इस पत्थर के ऊपर मैं फिसलने वाला था। जैसे मैं और लकड़ियों की तलाश में यहाँ पे आया हूँ, कुछ ले लेता हूँ और लकड़ियाँ। इतने लकड़ियाँ तो काफ़ी रहेगी जलाने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। खाने में चीज़ों को रखने के लिए
मैं इसे थोड़ा धो लेता हूँ। मेरे मित्र आ गए हैं जो मेरे कैंपिंग में साथ देंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आ गया हूँ थोड़ा सा लेट करके, क्योंकि कुछ था काम और नहीं, बैग और सामान के ला रहा हूँ। गुरुजी को पहले ही बोल देते आप लोग बढ़िए, हम आता हूँ। आए हैं और अपना अपना काम चालू कर दिए हैं। आज हम लोग यहाँ पर कुछ कैंप करने वाले हैं, कैंपिंग करेंगे पत्थर के नीचे, और बहुत डेंजर है पत्थर, आप देख सकते हैं बहुत भयानक टाइप से है, थोड़ा सा लटका हुआ है। अंदर नहीं जाना है, अंदर जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जुगाड़ जो है ना, ये बोलिए प्रकृति का जुगाड़, देखिए ये सपोर्ट जो उधर उधर से कितना भारी है, पेड़ पौधा है इसमें, ऊपर से मट्टी है, ये सपोर्ट देखिए, ये पत्थर, इस पत्थर को सपोर्ट दिया है। ये छोटा सा पत्थर है, नन्हा सा, और इधर से आप दिखा सकते हैं, वो देखिए वो पत्थर भी एक सपोर्टर है, वो पत्थर भी सपोर्टर है, आप देख सकते हैं बहुत डेंजर है, देखिए सपोर्टर है, इसलिए है तो रिस्क, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। ये भी हो गया है, आप जलाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ आपको, अब हम लोग आग जला रहे हैं, इतना ठंडा नदी किनारे, ठंडा है बहुत ज़्यादा ठंडा है, बस कुछ हम लोग पहले तो आग जला के हम लोग देखो ये पत्थर को मैं धो रहा हूँ, क्योंकि इस पे मुझे कुछ सब्जियाँ काटना है। ये पत्थर को थोड़ा सपोर्ट दे दे रहे हैं लकड़ी से, ठीक है सपोर्ट दे दीजिए। आके तो गिरने का रहेगा तो गिर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा संभावना मिलेगा हम लोग को, कि हम लोग भी अपना जुगाड़ तो लगाए थे। ठीक है दोस्तों, बहुत जोरों की सर्दी है, ठंडी है, उधर भी जुगाड़ लगा सकते हैं। तो चलाइए मैं लगा देता हूँ, लगाइए। अक्सर मैंने आपको थोड़ा गर्म कर दिया, देखिए ये हो गया फर्स्ट क्लास। अरे यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं, यहाँ लोग गाय का गोबर, यहाँ ठीक है आप इसे फेंक दे रहे हैं ना? हाँ फेंक दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, देख सकते हैं। शीशा भी है, गाय हमको लगता है यहाँ पर बैठी होगी, देखिए गाय देख गोबर देख सकते हैं। इसको इधर ही छोड़ देते हैं, सूखेगा सूखेगा तो काम देगा, ठीक है। अब हाथ धो के आते हैं, साफ पानी में गाजर टमाटर और मूली को धो लिया है तो हम लोग जलेगा तो वीडियो ठीक बनेगा। मूली को गोल गोल आकार में काट रहा हूँ, लकड़ी का धुआं, वाह ये बहुत बढ़िया चीज लाए हैं। क्या मूली? हाँ मूली है, और पत्थर भी तो लग रहा है दूधिया पत्थर है, है? तो चाकू भी बिल्कुल तेज है। अरे वाह, तो हाँ उंगली हाथ बताइएगा, ठीक है। ठंडा, अरे अभी ठंडा मौसम ठंडा हो गया है, हाँ
नदी में सब करने का बहुत मजा आता है। देखिए यहाँ पे मूली है, गाजर है, टमाटर है, ब्रेड का बन है, नमक है, टमाटर सॉस है। देखिए वो सीख दीजिए। हाँ दीजिए, ब्रेड दिए तब तक सेकते हैं। अच्छा सेकिए इसको और टाइट करते क्या है ना। ठीक है, मैं थोड़ा गाजर को भी काट ले रहा हूँ। मज़ा आएगा। क्या बोलिएगा, धुआं, लकड़ी का धुआं, मज़ा आएगा। तेल वेल डालना है क्या इसमें? नहीं, तेल तो नहीं डालना है। तेल नहीं डालना है ना, आपका मर्जी तो डाल सकते हैं। नहीं छोड़ दीजिए, नहीं छोटा छोटा मच्छर रहेगा लेकिन डेंजर रहता है। हो गया है गाजर, हो गया है। हाँ हो गया है, हो गया ना। प्याज काटे हैं? प्याज तो नहीं काटा हूँ। काटे काटे बढ़िया से गोल गोल काटिए। मिर्चा भी काट देता हूँ। हाँ हाँ मिर्चा भी काटिए। आँखों में धुआं जा रहा है। मिर्चा को भी रोस्ट किया जा रहा है, रोस्ट वाला अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पनीर होगा, देखिए पनीर होगा, आवाज दे रहा, मतलब तैयार हो गया है। वाह दोस्तों, मैं पनीर को मैं काट रहा हूँ। और कर दीजिए ना इसको और छोटा कर, और छोटा कर दें। हाँ और छोटा कर दीजिए। अच्छा और छोटा कर दीजिए, ठीक है। और कुछ तेल, तेल है? तेल तो है, क्या तेल लगाया जाए? एक कड़वा तेल, सरसों तेल बोलिए या मस्टर्ड ऑयल बोलिए। अब इसको सीख में घुसाइए, ठीक है। और घुसाइए इसको बढ़िया से, टूटे नहीं, टूटे नहीं। नहीं नहीं और भी उसमें जाएगा ना। टाइट दीजिए। अच्छा पत्थर दे सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ऐसे दिया जाए। सला गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाएगा तो उसका भी आसान है, ठीक है। लौ को बढ़ा दे क्या थोड़ा? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, जल जाएगा, इतना काफ़ी है। तो बहुत मज़ा आएगा, डालिए ना। और इसमें डालिए थोड़ा सा गाजर डालिए, मूली डालिए, ठीक है डालता हूँ। डालिए ना इसको, चाट मसाला डालिए। ये रहा चाट मसाला है। और टेस्ट बढ़ाइए, टेस्ट इधर इधर इधर। आपका पनीर भी रोस्ट हो रहा है प्योर देहाती स्टाइल में, और लगभग यही होने वाला है। एक गिर गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। सब तो सब जो है लकड़ी का जो ये क्या बोलते हैं राख जो है ना, पेट के लिए फायदेमंद है, इसलिए लकड़ी का राख भी खाना चाहिए। हो गया, ऊपर से थोड़ा नमक भी दे रहा हूँ। हाँ, बर्गर के ऊपर हल्का सा। बहुत आइटम लाए हैं, दे दीजिए। या हो गया पनीर, ठीक है, पनीर हो गया है। वाह 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 वाह, एकदम प्योर टमाटर। ये नदी के किनारे मैं यहाँ पे अपने मित्रों के साथ कैंप कर रहा हूँ,
तो नदी के किनारे कैंप करता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। और हमारा देसी बर्गर तैयार है, इसमें दोस्तों मैं बहुत सारा चीज़ मिलाया हूँ बन या ब्रेड के ऊपर। ये प्याज है, टमाटर है, मूली है, पनीर है, गाजर है, मिर्चा है, और थोड़ा छीटा हूँ मैं नमक और उसे क्या बोलते हैं चाट मसाला। अब खाने में बिल्कुल मज़ा आएगी। तो मित्र आप ये खाइए और टेस्ट करिए, मुझे भी बताइए, मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करूँगा। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छा आप लोग ने सजाया है। और दोस्तों आप लोग अगर आँख साफ नहीं हो रहा है तो आप लोग आँख का जो धुआं है उसको ले सकते हैं, तो आँख आपका साफ हो जाएगा, आँख आपका साफ हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। तो शुरुआत कर रहे हैं देसी बर्गर। वाह दोस्तों, नदी किनारे कैंपिंग करने का मजा ही कुछ और है, खाना ही कुछ और है। पत्थर के नीचे तो दोस्तों ये बर्गर खाते हुए हैं हम लोग को कैंपिंग कर ली है, मैं आपका नाम मित्र के साथ। और दोस्तों ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और किसी प्रकार के और भी वीडियो में आप लोग को देता रहूँगा मनोरंजन करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं एक नए वीडियो से। इसी तरह गुफा में हम लोग और भी कैंपिंग करेंगे। दोस्तों मैं बर्गर खाकर बिल्कुल मेरा पेट भर गया है, मैं काफ़ी थक गया हूँ। अब अपना बिछाने थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वाह गजब का आनंद है। और मेरे ऊपर से ये चट्टान गिरा भी नहीं है, भगवान मेरे साथ, मैं बच गया।